एक बार स्वामी जी अपने आश्रम में एक छोटे पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे, तभी अचानक एक युवक उनके आश्रम में आया और उनके पैरों में झुक गया और कहने लगा, स्वामी जी मैं अपनी ज़िंदगी से बड़ा परेशान हूँ। मैं प्रतिदिन पुरुषार्थ करता हूँ लेकिन आज तक मैं सफलता प्राप्त नहीं कर पाया। पता नहीं ईश्वर ने मेरे भाग में क्या लिखा है जो इतना पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी मैं नाकामयाब हूँ। युवक की परेशानी को विवेकानंद जी तुरंत समझ गए। उन्होंने युवक से कहा, भाई थोड़ा मेरे इस कुत्ते को कहीं दूर तक सैर करा दो, उसके बाद मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। उनकी इस बात पर युवक को थोड़ा अजीब लगा लेकिन दोबारा उसने कोई प्रश्न नहीं किया और कुत्ते को दौड़ाते हुए आगे निकल पड़ा। बहुत देर तक कुत्ते को सैर कराने के बाद जब युवक आश्रम में पहुंचा तो उन्होंने देखा कि युवक के चेहरे पर अभी भी तेज है लेकिन वह छोटा कुत्ता थकान से जोर जोर से हाँप रहा था। इस पर स्वामी जी ने पूछा, क्यों भाई मेरा कुत्ता इतना कैसे थक गया? तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो, क्या तुम्हें थकावट नहीं हुई? युवक बोला, स्वामी जी मैं तो धीरे धीरे आराम से चल रहा था लेकिन यही बड़ा आसान था, रास्ते में मिलने वाले सारे जानवरों के आगे पीछे दौड़ रहा था, इसीलिए एक जैसी दूरी तय करने के बावजूद भी यह इतना थक गया। तब विवेकानंद जी ने कहा, भाई तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर भी तो यही है, तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारे अगल बगल है, वो तुमसे कहीं दूर थोड़ी है, परंतु तुम अपने लक्ष्य का पीछा छोड़ करके अन्य लोगों के आगे पीछे दौड़ते रहते हो और इस तरह तुम जिस चीज़ को पाना चाहते हो उससे दूर चले जाते हो। युवक उत्तर से संतुष्ट हो गया और अपनी गलती को सुधारने में लग गया। दोस्तों क्या आपको नहीं लगता आज हम भी इसी कहानी के कुत्ते के समान दूसरों को फॉलो करने में लगे हुए हैं? अगर आपका मित्र डॉक्टर है तो आप भी वही बनना चाहते हैं, भले ही उसमें आपकी कोई रुचि हो या नहीं। ऐसा करके हम अपनी प्रतिभा को खो बैठते हैं और ज़िंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। इसीलिए दोस्तों दूसरों को फॉलो ना करें, अपना लक्ष्य खुद बनाएं और उसी के पीछे पूरी लगन से लग जाएं।